मतलब ऐसे पर पंखा भी चलता है। अरे यार गर्मी हो तो मैं गर्मी से पता लगा कि जाने। देखो दीदी से आगे तक नहीं खुली है, बताओ भला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर माय न्यू व्लॉग पार्ट टू रक्षाबंधन स्पेशल। तो गाइस ये सीमा है जो राहुल और रोहित दोनों को राखी बांध रही है। तो राखी बंधन का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, किसी को बताने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसलिए बांधते हैं एक भाई और बहन को ताकि हम उससे उनसे ये रक्षाबंधन के दिन ये प्रण करते हैं कि मतलब वो हमारा हमेशा ख्याल रखें और जब भी हमारी कोई कहीं से कुछ ना बने तो हमारे भाई हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, हमारे साए की तरह है। जी मेरी बहन है सानू, सौम्या है इसका नाम, और ये है यहाँ देखिए जो पता है किचन है। तो गाइस सानू और सौम्या दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांध रहे, क्योंकि ये एक दूसरे को ही राखी बांधते हैं बचपन से ही। ये इसको अपना भाई बांधती है और ये इसको, तो दोनों बहनें पहले एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और वैसे भी दोनों बहनें एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं बहुत। और अब बांधेगी सानिया राहुल को, इसका भैया, और बने रहे हमारे ब्लॉग में। क्यों बता रहे बैग छोड़ी? कितने बार तो चुन गया चली गया तब पकड़ के भाग रहे हैं। सोनू को भाग रहे हैं। अरे कैमरा मैन को बुलाया तो मैंने बाजे सोचे। हेलो गाइस, तो आप सोच रहे होंगे कि ये भैया कौन है। ये हैं सीमा के भैया जो इनको अपनी बहन मानते हैं सीमा को, और स्पेशली सीमा के लिए दिनेशपुर से आए हैं इसे राखी बनवाने। और ये सबसे पहले राखी सीमा से ही बनवाने के लिए दिनेशपुर से आए हैं, और ये सीमा उनको राखी बांधते हुए तो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग बताना? तो गाइस भैया इनके नहीं है अभी यहाँ पे, सब लोग बाहर हैं। तो दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। बस प्यार होना चाहिए साथ में, है ना? थोड़ी देर यहीं देख, यहाँ तो देखो मम्मी, पर तो देख आज कितना बड़ा मुंह खोल ली मेरी मौसी खाने के लिए। देखो रसगुल्ले, मजे मजे, ठीक दबा के डम डम। गाइस देख लो अपने सीक्रेट पॉकेट में से पैसे निकाल दिए मेरी मौसी ने। पैसे दे, ये पैसे दे, मेरे को दे दिए, ठीक है यहाँ से तो गाइस कहने के लिए तो पापा की भी पांच बहनें हैं, पर राखी किसी की नहीं पहुंच पाई यहाँ तक दूर तक। तो पापा को भी काफ़ी बुरा जैसा लग रहा था, और ऊपर आंटी के भी ना भाई नहीं हैं तो वो भी सभी राखी बांधते, तो उनका भी थोड़ा उदास जैसा चेहरा था। हमने उनको कहा कि आप ही क्यों ना पापा को राखी बांध दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगा और पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आज से इन दोनों का भाई बहन वाला प्यार, और काफ़ी अच्छा लगा पापा को भी, और आप बने रहे हैं। रिश्ते बनाने से ही बनते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और बने चल रहे हैं। और देखो क्या बनाया आज त्योहार के दिन, कड़ी चावल वगैरह मम्मी बाट कर रखा है। वीडियो में ऑडियो तो आप कर दोगे? Yeah, 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 yeah.
लेना मतलब ऐसे पर पंखा भी चलता है। देखो दीदी से राखी तक नहीं खुली है, बताओ भला। देखो गाइस गाइस ने मेरी वीडियो गायब कर दी, बहुत बेकार लड़की है गाइस ये। भाई आधा खिला, आधा 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 आधा, मैं थोड़ा बहुत खा चुका हूँ, आधा हो जाता है मेरे भी आधा। हाँ सारी रसगुल्ले इनके पेट में, तुमने क्यों नहीं बनाई भाई, इसके फोन में डाल देना है। तो गाइस ऊपर जाके फिर हमने भी भैया लोग को राखी बांधा, क्योंकि वो आज से हमारी बुआ बन चुके हैं और ये हमारे भैया हैं। ये वाला ब्लॉग जरूर बताना और थोड़ा सा पहली बार मौसी को राखी बांधते हुए देखते हैं। बांध देना, उसको बांधना नहीं आता। ले मैं बांध दूँ। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने घर पे, काफी अच्छा रहा आपका, कैसा रक्षाबंधन तो जरूर बताना।